हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाए एक और बढ़िया वैकेंसी के लिए। जी हाँ साहिबन, ये वैकेंसी आपकी रहने वाली एसएससी के अंतर्गत। जी हाँ, एसएससी सीजीएसएल के अंतर्गत दोस्तों 10+2 वालों के लिए बढ़िया वैकेंसी आ गई है। अंतिम तिथि की बात करें यानी लास्ट डेट की बात करें दोस्तों 1 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाले हैं। नोटिफिकेशन जो जारी हो गया उसको मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, तो दोस्तों उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपको देने वाला हूं, तो वो भी आप ज़रूर लीजिएगा। इसके अंतर्गत बात करें पोस्ट की, तो दोस्तों टोटल पोस्ट इसमें 4500+ पोस्ट आपकी आ गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों चलते हैं इसमें क्या क्या आपसे एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो सबसे पहले तो एसएससी एलडीसी जूनियर असिस्टेंट की ये वैकेंसियां की जा रही है। इसके अंतर्गत दोस्तों टोटल 45 डेज आपको दिए जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म आपके 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 1 मई 2024 रहने वाली है। आपको फॉर्म भरने के लिए एक छोटी सी एडवाइस यही है दोस्तों कि आप जब फॉर्म भरो तो थोड़ा सा वेट करके भरिएगा, क्योंकि सभी जोन के अंतर्गत जब फॉर्म भर जाएंगे तो उसके अंतर्गत टोटल फॉर्म कितने फिलअप किए गए और कौन सा जोन आपके लिए ग्रीन जोन रह गया उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो तभी आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी बात करें आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, तो इस वैकेंसी के लिए आपसे आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। अदरवाइज अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने के लिए दोस्तों एसएससी की जो नई वेबसाइट आई है ssgovernment.in उसके ऊपर जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी एज लिमिट की बात करूँ तो 18 साल न्यूनतम होनी चाहिए, वहीं 27 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है। इसकी जो आपकी एज है दोस्तों, एज की काउंटिंग 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपकी काउंटिंग की जाएगी। इसके अनुसार आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम है उसमें उसके अनुसार छूट दी जाएगी जो ओबीसी और एससी कैंडिडेट उनको। इसके अंतर्गत दोस्तों आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज government.in के द्वारा जारी किया गया वो आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत साफ बताया गया है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन ये दोस्तों जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के पदों के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते तो दोस्तों आपको 2/4/2024 के अनुसार इस साइट के ऊपर चले जाना है जो ऑफिशियल एसएससी गवर्नमेंट की रहने वाली। इसके ऊपर जाके आपको दोस्तों जो पूरा नोटिफिकेशन वो मिल जाएगा, ये इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसके लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ, बाद में आपको आवेदन कैसे करना है उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किसी भी एजुकेशनल मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास आप होना चाहिए। इसके अलावा DEO या पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 12वीं आप साइंस से पास होना जरूरी है। इसके अनुसार ये जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी बात करते हैं दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना पड़ेगा, तो एसएससी के लिए दोस्तों आपकी जो साइट मैंने बताई थी अभी उसी साइट के ऊपर आपको जाके दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कर देना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने एसएससी ओटीआर अभी तक नहीं किया तो वो ज़रूर कर ले, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद दोस्तों आपको बार बार जानकारी अपडेट नहीं करनी पड़ेगी, एक क्लिक से ही आपका आवेदन हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा ज़रूर। जय हिंद जय भारत।